हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज इस वीडियो में मैं आपको ओल्ड साड़ी से बने इस ब्यूटीफुल सी ड्रेस की कटिंग शेयर करूंगी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। एक्चुअली ये ड्रेस मुझे थोड़ा लूज़ है क्योंकि मैंने अपनी कज़न सिस्टर के लिए बनाया है, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी तो मैंने इसे वेयर कर लिया। यहाँ मैं आज ये मेज़रमेंट्स यूज़ करूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग्स में चेंजेस कर लें। कटिंग एंड स्टिचिंग का तरीका हमारा सबके लिए यही रहेगा। यहाँ मैंने टैफेटा फैब्रिक की ये साड़ी ली है। यहाँ मेरा टोटल इस प्रोजेक्ट में 3.5 मीटर कपड़ा यूज़ हुआ है। अगर आपके पास साड़ी ना हो तो आप कोई और भी फैब्रिक 3.5 मीटर ले सकते हैं। और यहाँ पे मेरे 3 मीटर की ये कॉटन लाइनिंग है। साड़ी का पल्लू हमारा ये पिंक कलर का है जो कि हम टॉप पार्ट एंड स्लीव में यूज़ करेंगे। आप यहाँ पर कोई और भी फैब्रिक कंट्रास्ट ले सकते हैं। साड़ी का जो हमारा अर्ज है नॉर्मल है 44 इंचज़। यहाँ हम लेयर्ड ड्रेस बना रहे हैं तो हम नीचे का स्कर्ट पार्ट कट करेंगे। तो सबसे पहले मैं नीचे बॉटम का पार्ट कट करूँगी। तो यहाँ फर्स्ट आपको ऊपर की लेयर के लिए आपका जितना भी वेस्ट राउंड है उसका हमें 2 गुना लेना है, यानी कि 31 × 2 62 इंचेस टोटल। और सेकंड लेयर जो कि सबसे नीचे अटैच होगी उसमें हम अपना वेस्ट राउंड का 3 गुना लेंगे, तो 31 × 3, तो यहाँ पे हमारा 93 इंचेस आएगा टोटल। इतना हमें विड्थ लेके फैब्रिक को कट करना है। यहाँ ड्रेस की टोटल लेंथ मेरी शोल्डर टू एंकल 52 इंचेस है, जिसमें से 14 इंच के ऊपर का हमारा टॉप पार्ट कट होगा। बाकी 38 इंच के नीचे की हमारी लेयर कट होगी, जिसमें से 26 इंच की एक लेयर होगी एंड सेकंड लेयर 12 इंचेस की होगी। सो यहाँ सबसे पहले मैं नीचे वाला पार्ट कट करूँगी जो कि नीचे की साइड हमारा साड़ी का बॉर्डर आएगा। यहाँ नीचे वाली लेयर की विड्थ हमारी टोटल 93 इंचेस है, तो यहाँ पे हम फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट अलग अलग कट करेंगे, इसलिए हम 93 का हाफ लेंगे 46.5 इंचेस। तो यहाँ पे मैं उतना लेके फैब्रिक को एक बार फोल्ड कर लूँगी। यहाँ नीचे वाली लेयर की लेंथ हम कम लेंगे 12 इंचेस, उसमें प्लस 1 इंच मार्जिन के ऐड करेंगे जो कि हमारा स्टिचिंग में जाएगा। तो यहाँ पे मैं 13 इंचेस पे मार्क कर लूँगी स्ट्रेट। इसे कट कर लेंगे, इसे साइड से कट करके 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे फ्रंट एंड बैक। अब हम फर्स्ट लेयर ऊपर वाला पार्ट कट करेंगे जिसकी हमारी विड्थ है 62 इंचेस टोटल, तो यहाँ भी हम उसका हाफ लेंगे 31 इंच लेते हुए। फैब्रिक को एक बार सिंगल फोल्ड कर लेंगे। ऊपर वाली लेयर की लेंथ हमने लॉन्ग रखी है 26 इंचेस, उसमें भी प्लस 1 इंच करके हम लेंगे 27 इंच 1 इंच मार्जिन के लिए। इसे भी साइड से कट करके फ्रंट एंड बैक 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ हम टॉप पार्ट कट करेंगे, इसके लिए फैब्रिक को मैंने सिंगल फोल्ड करके रखा है, इसे एक और बार फोल्ड कर लें। अब आप देख सकते हैं इसकी टोटल लेंथ में यहाँ पे 14 इंच रेडी रखूँगी, तो यहाँ पे 1 इंच का मैंने मार्जिन लेते हुए कट किया है 15 इंचेस। अब यहाँ क्लोज बंद वाली साइड से हमें मार्किंग करनी है, ऊपर हाफ इंच के मार्जिन पर स्ट्रेट मार्क कर लें। तो यहाँ हमारी शोल्डर विड्थ टोटल 14 इंचेस है, उसका हमें यहाँ पे हाफ लेना है 7 इंचेस। नेक विड्थ यहाँ पे मैं 3.5 इंचेस लूँगी। अब यहाँ पे शोल्डर ड्रॉप के लिए हाफ इंच पे मार्क करें। यहाँ नीचे मैं अपने आर्म होल राउंड का हाफ लेना है, तो यहाँ पे टोटल मेरा 15 इंचेस है, उसका मैं हाफ लूँगी, तो यहाँ पे मेरा 7.5 इंचेस आया है। यहाँ पे हम अपना चेस्ट बस्ट राउंड मार्क करेंगे जो कि यहाँ मेरा 34 इंचेस है, प्लस 1 इंच उसमें हम लूजिंग के लिए लेंगे, तो यहाँ पे मेरा 35 इंचेस आएगा। उसका हमें 4th पार्ट लेना है, तो 35 ÷ 4, तो यहाँ पे मेरा 9.25 इंच आया है। साइड में 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। यहाँ नीचे हम अपना वेस्ट राउंड मार्क करेंगे जो कि हमारा 30 इंचेस है, उसमें प्लस 1 इंच लूजिंग के लिए ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मेरा 31 इंचेस आ रहा है। उसका भी हमें 4th पार्ट लेना है, तो यहाँ पे मेरा 7.25 इंच आया है। साइड में 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। यहाँ नीचे वेस्ट में हम हाफ इंच का हल्का सा कर्व देंगे। अब यहाँ पे हम अपने आर्मोल कर्व की मार्किंग करेंगे, इसके लिए इस लाइन का मिड पॉइंट मार्क करें। अब इस मिड पॉइंट से अंदर हमें हाफ इंच पे मार्क करना है। फर्स्ट हम बैक आर्मोल की मार्किंग करेंगे, इसके लिए मैंने फ्रेंच कर्व स्केल का यूज़ करा है, आप यहाँ पे फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम फ्रंट आर्मोल की मार्किंग करेंगे हल्का सा अंदर की तरफ लेते हुए। यहाँ फर्स्ट हमें बैक आर्मोल कट करना है, दैन हम एक पार्ट को अलग करके फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ ऊपर से मैं हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए कट करूँगी। यहाँ आर्मोल में भी हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए कट करें। अब हम एक बैक पार्ट अलग करते हुए फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम अपनी फ्रंट नेक कट करेंगे, इसके लिए मैंने नेक डेप्थ यहाँ पे 8 इंचेस लिया है। यहाँ साइड कॉर्नर से 1.5 इंच लेते हुए नेक यू शेप ड्रॉ करें। आप यहाँ पे फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ बैक में हम क्रिस क्रॉस डोरी ही डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए हम बैक का जो डेप्थ है हम ज़्यादा रखेंगे। यहाँ मैं 9 इंचेस रखूँगी। तो यहाँ टॉप से देख सकते हैं हमने 3.5 इंचेस लिया था नेक विड्थ, यहाँ नीचे हम 2.5 इंचेस लेंगे। अब साड़ी में कट करे हुए हमने टॉप पार्ट को लाइनिंग में भी कट कर लेंगे, इसलिए लाइनिंग को मैंने सिंगल फोल्ड करके रखा है, इसे एक और बार फोल्ड कर लें। अब इसके ऊपर मैं फर्स्ट अपना बैक पार्ट रखूँगी और नेक लाइन हमें यहाँ पे कट नहीं करनी है, हम जस्ट आर्म होल एंड वेस्ट कट करेंगे। अब हम एक पीस को अलग करके बैक नेक लाइन कट कर लेंगे, दैन हम जो अपना फ्रंट पीस रख के फ्रंट नेक लाइन और आर्म होल कट कर लेंगे। अब यहाँ साड़ी के पल्लू में से हम टॉप फ्रंट पार्ट में एक पैनल अटैच करेंगे। इसके लिए हम आगे के फ्रंट टॉप पार्ट को रखेंगे। यहाँ पे अभी हमें नेकलाइन कट नहीं करनी है, जस्ट आर्म होल एंड वेस्ट कट करेंगे साइड्स। इस वजह से नेक पॉइंट मार्क कर लेंगे। यहाँ इसका मिड पॉइंट मार्क कर लेंगे। अब यहाँ मिड पॉइंट से नीचे हमें 10 इंच पे मार्क करना है। यहाँ नेक पॉइंट से अंदर 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। यहाँ साइड से हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब इन पॉइंट्स को हमें कर्व नेकलाइन से जॉइन करना है। तो इस तरीके से हमारा नेकलाइन आएगा फ्रंट में। तो यहाँ इसको हमें फिनिश करने के लिए 2 बायस स्ट्रिप लेंगे, इस तरीके से 1.25 इंच की। इस तरीके से हमें इसे जॉइन करना है, इससे हम अपनी कर्व नेकलाइन फिनिश कर लेंगे बायस और एक पट्टी से। अब जो नीचे के हमारे लेयर गैदर पार्ट थे उसे हमें लाइनिंग में कट करना है। तो ये हमारा सबसे नीचे वाला लेयर है। तो यहाँ लाइनिंग में हमें 2 इंच लेंथ कम रखनी है, क्योंकि हमारी लाइनिंग की जो लेंथ होती है वो आउटर फैब्रिक से कम होती है। ऐसा ही एक और पीस कट कर लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें, लाइनिंग में भी हमें उतना ही विड्थ एंड लेंथ लेना है जितना हमने आउटर में लिया था। तो यहाँ जो हमारे कपड़े की विड्थ है कम आ रही है, तो हम ऐसा ही एक और लाइनिंग पार्ट कट करके दैन इसके साइड में जॉइन कर लेंगे। इसे मिड में से कट करके हाफ हम फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे एंड हाफ बैक पार्ट में। इसे इस तरीके से साइड में हम अटैच कर लेंगे। फ्रंट एंड बैक 2 पार्ट हमारे यहाँ पे कट हो गए हैं। अब जो हमारी फर्स्ट लेयर वाला पार्ट है उसे भी लाइनिंग में कट कर लेंगे। यहाँ भी हम 2 पीसेस लाइनिंग में कट करेंगे, फ्रंट एंड बैक। अब मैं यहाँ पे स्लीव्स कट करूँगी, जिसके लिए मैंने फैब्रिक को सिंगल फोल्ड करके रखा है, इसे एक और बार फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमारी ओपन वाली साइड है और एक हमारी फोल्ड बंद वाली साइड है। तो हमें यहाँ से मार्किंग करनी है बंद वाली साइड से। तो यहाँ इसकी टोटल लेंथ मैं 10 इंचेस रखूँगी, प्लस 1 इंच मार्जिन ले लूँगी। 3 इंच पर हम अपनी केप हाइट मार्क करेंगे, इस लाइन को स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर हम अपने आर्म होल राउंड का हाफ लेना है। तो यहाँ पे आर्म होल राउंड मेरा टोटल 15 इंचेस है, उसका हाफ लूँगी 7.5 इंचेस, और यहाँ पे साइड में मैं 1 इंच का मार्जिन लूँगी। इसे इस तरीके से स्लांट ऊपर जॉइन करेंगे। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। इसके लिए इस लाइन को हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है। यहाँ मिड पॉइंट से हमें ऊपर हाफ इंच पर मार्क करना है, देन जो हम इस मिड पॉइंट से नीचे हाफ इंच पर मार्क करेंगे। फर्स्ट हम बैक आर्म होल की मार्किंग करेंगे, देन हमें इस तरीके से फ्रंट आर्म होल मार्किंग करनी है। यहाँ नीचे हमारा अबव एल्बो राउंड टोटल 9 इंचेस है, उसका हमें यहाँ हाफ लेना है, 4.5 इंचेस आएगा। 1 इंच साइड मार्जिन मार्क करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे बैक आर्म होल कट करेंगे, देन जो है हम स्लीव को ओपन करके फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें, कपड़े की दोनों की सीधी राइट साइड साथ में हो। अब हम इसे लाइनिंग में कट करेंगे। तो यहाँ भी फर्स्ट हमें बैक आर्म होल कट करना है, देन स्लीव को ओपन करके फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब यहाँ स्लीव के बॉटम में जो हमारा अम्ब्रेला फ्लेयर पार्ट है वो कट करेंगे। इसके लिए मैंने फैब्रिक को सिंगल फोल्ड करके रखा है। तो ये मैंने 9x9 इंच का ये फैब्रिक लिया है। अब हम यहाँ पे स्लीव का बॉटम राउंड मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे टोटल हमारा मार्जिन मिलाते हुए 11 इंचेस आ रहा है, तो इसका हम हाफ़ लेंगे। तो 11 का हम हाफ़ लेंगे 5.5 इंचेस। इस तरीके से हमें इसे मेज़र करना है 5.5 इंच पे इंची टेप को रखते हुए। अब इसे हमें कॉर्नर से मेज़र करना हमारा कितना आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा 3.5 इंचेस आ रहा है। गोलाई में हमें 3.5 इंच पे टेप को रखते हुए मार्क करना है। ऐसा ही मैंने एक और पीस कट करके रखा है, इसे हम इसके ऊपर रख के कट कर लेंगे। आप इसे बाद में भी कट कर सकते हैं। अब यहाँ कॉर्नर से हम टेप को 9 इंच पे रखते हुए गोलाई में मार्क कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट के लिए अपनी लटकन कट करेंगे। इसके लिए मैंने 7 by 3.5 इंच का ये पीस लिया है। इसे साइड से हमें 3.5 इंच पे रखते हुए गोलाई में मार्क करना है। इसे मिड में से कट करके 2 पीस में डिवाइड कर लेंगे। ऐसे ही हम टोटल 6 पीसेस कट कर लेंगे और सेम इसे लाइनिंग में भी कट कर लेंगे। यहाँ साड़ी के बॉर्डर में से हम 2 लटकन कट करेंगे। ये मैंने 4 by 8 इंच का लिया है। इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। इसके बीच में हम अपने डोरी को डालते हुए इसकी 3 साइड हमें स्टिच करनी है। एक साइड हमें ओपन रखनी है, जिसमें हम बाद में अपना रुई या फाइबर कुछ अंदर डाल के इसे फिल करेंगे कुशन की तरह। सो गाइस, स्टिचिंग की वीडियो मैंने सेकंड पार्ट में अपलोड की है। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे दूँगी, आप जाके देख लीजिएगा। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डू, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।